हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे इग्नू के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स के बारे में। अगर आप इग्नू से बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 साल का कोर्स है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और मैक्सिमम आपको 6 साल मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये कोर्स ऑफर किया जाता है और इसके लिए मिनिमम क्लास 12 आपने पास आउट करी होनी चाहिए। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट क्लास 12 पास आउट हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के बाद यहाँ पे 5 अलग अलग कैटेगरी के आप कोर्सेज पढ़ते हो, जिसमें कोर कोर्स होता है जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही होता है, DSE कोर्स होते हैं जो कि अगेन पॉल साइंस से रिलेटेड ही होते हैं, कुछ एबिलिटी इन्हांसमेंट में आप EVSE वगैरह या इंग्लिश वगैरह के सब्जेक्ट पढ़ते हो, और कुछ सेक के और जनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट पढ़ते हो। जनरिक इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ना। लाइक यहाँ पर इस वीडियो में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है, तो इट मीन्स पॉलिटिकल साइंस के अलावा जैसे हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ना। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एज आई सेड की 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 1, 2 और सेमेस्टर 5, 6 में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं और सेमेस्टर 3 और 4 में 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा कुछ आप सब्जेक्ट्स अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। अभी थ्रू आउट वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप इन सब्जेक्ट का सिलेबस कहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स की हम बात करते हैं, फ़ीस वगैरह की और कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इग्नू से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फ़ीस की। फ़ीस जो है आपकी 4700 रुपये 1 साल की फ़ीस है। जब आप एडमिशन लोगे इग्नू में, फर्स्ट एडमिशन लोगे, तो उस टाइम पर आपके 4700 के अंदर 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस भी लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पर आपको टोटल 5200 रुपये देने होंगे, ये फ़ीस 1 साल की है। फिर सेकंड ईयर में 4700 अगेन, थर्ड ईयर में 4700 अगेन। इसके अलावा इग्नू में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो एक आपको रीजनल सेंटर और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। रीजनल सेंटर में क्या होता है, जनरली अगर आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर नहीं आया तो वो आप रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। कोई ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रही है, कुछ कंप्लेन करनी है, कुछ क्वेरीज हैंडल करनी है, तो वो सारे काम रीजनल सेंटर से होंगे। स्टडी सेंटर का काम ये होता है, यहाँ पर आपकी क्लासेस लगती हैं और जो आपके असाइनमेंट होते हैं वो यहाँ पर सबमिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम्स की बात करते हैं हम और एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं। इग्नू के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एग्ज़ाम इसमें एनुअली होते हैं। है ये सेमेस्टर वाइज कोर्स, लेकिन एग्ज़ाम एनुअली होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, फिर सेकेंड ईयर के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, एंड देन फिर थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 और 6 के एग्ज़ाम एक साथ होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक वाली बात है, अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट जून में आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो दिसंबर में आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम रहेंगे। एग्ज़ाम की फ़ीस अलग जाती है इग्नू के अंदर, एडमिशन फ़ीस जो मैंने ऊपर आपको बताई 4700 रुपये वो अलग है, एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम फ़ीस अलग है। 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से एग्ज़ाम फ़ीस जाती है, यानी ये फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट होंगे तो 1600 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाएगी। एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम एक आपको एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना पड़ता है, वो एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया आप कहीं का भी चूज़ कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एडमिशन दिल्ली का है, यूपी का है, आप एग्ज़ाम सेंटर किसी और स्टेट का भी चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। लेकिन इसमें ये होता है जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वही सेंटर आपको अलॉट हो। इसके बाद असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट इज़ वेरी क्रूशल पार्ट इन इग्नू। असाइनमेंट क्या होता है जी, देखिए आपके अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो एग्ज़ाम का तो मैंने बता दिया जून में होंगे, लेकिन असाइनमेंट इसके मार्च से सबमिट होना शुरू हो जाएंगे जो कि मिड मई तक चलेंगे। सिमिलरली अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो असाइनमेंट सितंबर से सबमिट होना शुरू होते हैं जो कि मिड नवंबर तक चलते हैं, फिर दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे पाते हो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का सारा क्राइटेरिया रहता है, अभी क्वेश्चन पेपर मैं दिखा दूँगा कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना होता है। क्लासेस वेर एडमिशन जिस भी सेशन में आप ले रहे हो उसके 3-4 महीने के बाद क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आना शुरू होती है। जैसे अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो अप्रॉक्स दिसंबर के अराउंड, या जनवरी सेशन का एडमिशन है तो अप्रॉक्स जून जुलाई के अराउंड क्लासेस की जानकारी आना शुरू होती है। आपको ईमेल या SMS आ सकता है या फिर वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो, अभी मैं वेबसाइट भी आपको बता दूँगा कैसे चेक करनी होती है।
उसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है, तो आपके एग्ज़ाम होंगे जून में, तो जब आपके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले ही सेकेंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाते हैं। और इग्नू के अंदर एक ये रूल है कि आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना ही है, इररिस्पेक्टिव कि आप एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो या अपीयर होकर फेल हो गए हो, उसका आपके सेकेंड ईयर पर कोई भी लिंक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई ईयर बैक इग्नू में नहीं लगती है, जो एग्ज़ाम आपके रह जाते हैं फर्स्ट ईयर के वो आप सेकेंड ईयर के साथ दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, उसके एक साल बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे। जैसे आप न्यू एडमिशन जुलाई सेशन में लेकर जून में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसी तरीके से फिर रजिस्ट्रेशन भी आप नेक्स्ट जुलाई सेशन में लेकर फिर उसके नेक्स्ट जून सेशन में सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का जिस भी ईयर का आपका रजिस्ट्रेशन है उसके एग्ज़ाम आप दे पाओगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें फ़ीस लगेगी आप लोगों की जितनी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में लगी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब ईयरली फ़ी जो भी होती है वो लगेगी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल अगर आपने हार्ड कॉपी में चूज़ करा है तो 3-4 महीने के बाद आपके घर पे भेज दिया जाएगा। अगर नहीं आता तो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। वहीं अगर आपने डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज़ करा है। ये सारे ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम आते हैं, फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने ये अपना डिजिटल फॉर्म में चूज़ करा है तो 15% का रिलैक्सेशन फ़ीस में मिल जाएगा, अप्रॉक्स 500-600 रुपये का, 500-600 रुपये आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। लेकिन फिर स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, वो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ोगे। इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया है इसमें 35%। अब इसमें असाइनमेंट भी होते हैं हर एक सब्जेक्ट के और थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है, तो असाइनमेंट में अलग से और थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं। यानी 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 35 नंबर लाओ तभी आप पास माने जाओगे उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। अब कुछ मैं आपको वेबसाइट पर जाकर कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, कुछ एक दो चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले थे। पहली चीज़ तो ये है, आपको क्लासेस का अगर शेड्यूल जानना है तो वो कैसे पता चलेगा, आपका जो भी रीजनल सेंटर है उसका नाम गूगल पे सर्च करो इग्नू आरसी करके, उसकी वेबसाइट आ जाएगी शुरू में ही। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। यहाँ क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको अपडेट मिलेगी आपके स्टडी सेंटर की क्लासेस के शेड्यूल की। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2023 सेशन के असाइनमेंट नहीं आए हैं, तो खैर वेबसाइट पर आना, डाउनलोड के सेक्शन में जाना है और लेफ्ट साइड में असाइनमेंट का लिंक है, फिर यहाँ बैचलर डिग्री प्रोग्राम का लिंक है। यहाँ जाने के बाद यहीं पर आपको जो बीए वाला लिंक है सीबीसीएस का, यहीं पर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अभी जुलाई सेशन का, जुलाई 2023 सेशन का नहीं आया है। क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि ये किस सेशन के लिए है, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना असाइनमेंट बनाने से पहले। एंड लास्टली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गूगल पे सर्च करोगे इग्नू बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का जो लिंक आएगा इस लिंक पर जाना। इस लिंक पर जाने के बाद यहाँ आपको प्रोग्राम गाइड मिलेगी। इस प्रोग्राम गाइड के अंदर कुछ चीज़ें पुरानी भी हो सकती हैं, जैसे फ़ीस यहाँ पुरानी लिखी हुई है, फ़ीस बढ़ गई है इसकी काफ़ी, तो प्रोग्राम गाइड आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें सिलेबस आप चेक कर सकते हो अपने कोर्सेज का। अगेन आई रिपीट कि इस प्रोग्राम गाइड में कुछ जानकारी पुरानी हो सकती है लेकिन सिलेबस आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। अब इग्नू इसको अपडेट नहीं कर रहा है तो ये इग्नू की प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द इग्नू को यह है कि इसको अपडेट करना चाहिए। हालांकि यहां 8 मार्च 2022 लिखा हुआ है बट स्टिल ये फ़ीस काफ़ी पुरानी यहां पर लिखी गई है जो कि जुलाई 2019 सेशन से आई थी। खैर ये सब चीज़ें हैं दोस्तों इग्नू के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।